सत श्री अकाल जी। जिवें तुसीं जानते हैं कि कल रात 2 अक्टूबर रात को 7:30 और 9:30 बजे के बीच राणी तलाब एरिया पुलिस स्टेशन सिटी 2 दी एरिया दे विच खन्ने दे विच एक मर्डर रिपोर्ट होया सीगा। कमलेश राणी जी जिन्हां दी उम्र करीब 6-8 साल हैगे उन्हां दी चक्कू मार के कतल किया गया सीगा। जिवें पुलिस नूं इनफॉर्मेशन मिली साढ़े 12 बजे कंट्रोल तो इनफॉर्मेशन आई सीगा। इमीडिएटली DSP सिटी SHO सिटी एंड DSP डिटेक्टिव एंड मैं खुद भी मौके पर सी। ये असी टीम बनाए और फैमिली के नाल इंटरैक्ट किया, नाले जो एरिया दे विच जो CCTV कैमरे से उन्होंने खंगाले उत्ते सानू प्राइमरी तौर पर ये इनफॉर्मेशन मिली सी। एक लेडी उसी एरिया दे रहने वाले एक शान अब्बास उम्र तकरीबन 35 साल की हैगी है, वो अज उस कार दे विच तकरीबन 7:30 बजे आए हुए पाए गए सीगे। और ये इन्हां दी पुराने जानकार भी सीगे, पिछले 15 साल तो इन्हां दी आपस च जो जानकारी सीगी आना जाना सीगा वो कम सीगा। और फिर वो सानू कैमरे के थ्रू भी वो पुष्टि हो गई सीगी कि बस उस समय दे विच 7:30 और 9:30 दे विच बस एक जो शान बस उन्हां दे ही मूवमेंट सीगा, होर किसी दा नहीं सीगी। सो इहदे उत्ते कम करदे हुए इमीडिएटली अपने जो पुलिस टीम्स हैगे आ उन्होंने राउंडअप किया सीगा और उन्होंने वालों कन्फेस की गई सी कि इन्हें उसी दे कल रात इन्हें गए सके उन्होंने कोठी गए सके कमलेश राणी जी की कोठी गए सके और ये 5,000 के पैसे की उन्होंने पूछा सीगा कि उन्होंने लोड़ सी पैसे की लोड़ सी। उस गल नू लेके इन्हां दी आपसी एक बहसबाजी हुई और एक गल चलते चलते वो दूजे ते हत्थापाई शुरू हो गई। हत्थापाई तो फिर कर काफ़ी छोटी हैगी है, जिथे तुसीं बहुत सारे अपने मौका कल दा देखे भी हैगे उहदे विच जिवें बिल्कुल बेडरूम ते जो वारदात जिथे वापरी है उहदे नाल ही जो हैगा किचन हैगा उत्थों दी उन्हें चक्कू लिया। वो चक्कू नाल उन्होंने उन्हां दी जो हैगा वाइटल पार्ट ते उन्हां दी नैक ते लगी, उहदे नाल ब्लीडिंग दे नाल उन्हां दी डैथ हो गई। तो फिर ये घबरा के उत्थों दी इन्हां दे जो वाली लगे सीगे और चाहिए लगे सीगे बैंगल्स लगे सी उन्हों लैके उत्थों दी ये चल गए सीगे। लेकिन टीम क्योंकि मैटर बहुत सेंसिटिव सीगा संजीदा मामला सीगा उन्होंने उत्ते काम करते हुए सारे ही ऑफिसर साहिबान जो अपने इस केस दे विच इमीडिएटली काम करते हुए इन्हां नूं आपां 2 घंटे दी अंदर अंदर इस केस नूं असीं ट्रेस कीती हैगी जी। मैडम जी लेडी सीगी ओह बिजनेस करदी सी, ये अपनी सूट दा काम करदे सीगे जी, दो दर्जी हैगे और उन्हां दा फादर जो हैगे आ वो एम्ब्रॉयडरी दा वो काम करदे सीगे। हाले तक वो सामने नहीं आई है जी। एक्चुअली इन्हां दी गल सीगा कि 5,000 वो उन्होंने मंग रहे थे क्योंकि अज इन्होंने जाना सी लखनऊ, पिछों ये लखनऊ दे हैगे ईवन दो वो पिछले 25 साल तो इत्थे रह रहे ने मतलब खन्ने च ही रह रहे हैगे, लेकिन पिछों इन्हां दी फैमिली लखनऊ तो हैगी जो हुण तक दी जो साडी पुछगिछ ते जो आई हैगी उन्हें अज लखनऊ जाना सी उन्हां दा अपना सब तो छोटी भैन की एक शादी अटेंड करने ली उन्होंने लैके ये पैसे की आपस चिन्ह की गलबात शुरू हो गई सी कल रात। कोई फैमिली बैकग्राउंड हुण तक कोई साढ़े ये आई नहीं हैगी बट असी फिर भी बरीकी सारा चेक कर रहे हैं। नहीं जी हथियार नहीं बरामद हुई है, इन्होंने जाते वे हथियार और नाले फोन जो वो लेके चले गए थे उन्होंने रस्ते के सिटिया से हाले भी साड़ी टीम वो कर रही है, लेकिन जो ये ज्वेलरी लेके गए थे वो ज्वेलरी सारे बरामद हो चुके हैं। सो इन्हें जो जिम्मे मैं तुम्हें दसिया सी जी वाली हैगी है और चेन हैगी है और बैंगल्स हैगे वो सारे बरामद हो चुके हाले अज आप पेश करनी है, पेश करके मान्योग अदालत में असी रिक्वेस्ट करा इदा हसबेंड का भी नाल ही बिजनेस की हैगी जी, सेम कपड़े दे जो रेहड़ी लगाते हैं ये वे पिछे की हैगी। हाँ जी नहीं जी कल देखिए जी कल 9:30 बजे इन्होंने निकले घर तो और उस तो बाद विद इन 3-4 घंटे दे रात 3-4 घंटे दे अंदर अंदर फड़े गए हैं। प्लानिंग की सी ना जी कित्थे वेचना उत्तों असीं फड़ लिए ना जी 3-4 घंटे दी हले उह तों अगे अगे दी जो हैगा वो तफ्तीश ते करनी हैगी। नहीं जी जो सानूं पता हैगा उन्हां दी एक रेहड़ी लगदी सीगी बिल्कुल एक जिवें रोड दे साइड ते नहीं हुंदा जी अपना खोका लगदी हैगी उस तरीके नाल ही करदे सी। 5,000 जिहड़ी मंग कर रहे सी कोई उधार मंग रहे सी या इन्हां लेणे सी ये इन्हां दा कहना हैगा जी उधार मंग रहे सी उन्हां तों 5,000 रुपए तो उधार मंग रहे सी। हां जी।